With the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class 10th. Students, हम लोगों ने homeostasis के chapter में plants के अंदर जो भी homeostasis के processes होते हैं उनको बहुत detail से discuss किया है. आज हमने हमारा जो topic है वो है homeostasis in humans. Humans में homeostasis कैसे होती है? तो हम ये देखते हैं कि इंसान के अंदर दूसरे जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं इस कुरा अर्थ पे उन्हीं की तरह बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इंसान के अंदर होम्योस्टेसिस का. दूसरे एनिमल्स की तरह जो बहुत कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं जिनमें जिनके अंदर एक बहुत डेवलप्ड सिस्टम है, इसी तरह ही ह्यूमंस के अंदर भी एक बहुत डेवलप्ड सिस्टम है होम्योस्टेसिस को कायम करने का, होम्योस्टेसिस पर कायम रहने का. तो हम देखते हैं कि थ्री मेन ऑर्गन्स हैं ह्यूमंस के अंदर जिससे होम्योस्टेसिस होती है इंसानों के अंदर. वो कौन कौन से तीन ऑर्गन्स हैं? लंग्स, स्किन एंड किडनीज. हमने इन तीनों के बारे में डिटेल से डिस्कस करना है कि ये तीनों कैसे इंसानों के अंदर होम्योस्टेसिस को कायम करते हैं. सबसे पहले इसमें है लंग्स. तो लंग्स कैसे होम्योस्टेसिस करते हैं? हमें पता है कि लंग्स जो है वो एयर के एक्सचेंज में काम आते हैं. तो हमारे अंदर कौन सी गैस मौजूद होती है जिसको वो एक्सपेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. जब वो ज़्यादा मकदार में हमारे अंदर मौजूद होती है लंग्स के अंदर तो वो उसको एक्सहेल आउट करते हैं. इन गैसियस एक्सचेंज का काम कौन कर रहा है? मेनली लंग्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल आउट करता है. इस तरह बॉडी में बैलेंस रहता है. दूसरे नंबर पर हमारे पास है जी स्किन. स्किन कैसे काम कर रही है? स्किन हमें पता है कि जब हमें पसीना आता है तो वाटर और साल्ट्स रिमूव होते हैं हमारी बॉडी से. तो स्किन भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जैसा कि पानी और नमकियात को हमारे बॉडी से रिमूव आउट करवाने में किसका काम हो रहा है? कौन काम कर रही है? स्किन काम कर रही है. तो दूसरी चीज़ क्या होगी? स्किन जो ऑस्मोटिक बैलेंस रख रही है हमारी बॉडी के अंदर. और जैसे ही हमें पसीना आता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल होता है. तो बॉडी के टेम्परेचर को भी मेनटेन कर रही है और ऑस्मोटिक बैलेंस भी किसके मदद से हो रहा है? स्किन की मदद से. थर्ड एंड मेन ऑर्गन जो हमारी बॉडी का है वो क्या है? किडनीज. किडनीज क्या करते हैं? ये जो गुर्दे जिनको उर्दू में कहते हैं, इनका क्या काम है कि हमारे ब्लड में से जितने भी फाजल मादे हैं उनको इकट्ठा करना और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनाना, और उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को हम अपनी बॉडी से रिमूव आउट कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं. तो किडनीज क्या कर रहे हैं? वो जो फाजल मादे जिनमें यूरिक एसिड, यूरिया, एक्सेस वाटर एंड साल्ट्स मौजूद होते हैं, ये तीन चार चीज़ें जो हैं ये हमारे ब्लड में से कलेक्ट करके उसको यूरिन के फॉर्म में उन्हें एक्सक्रीट आउट करवाते हैं बॉडी से. तो ये किसका मेन, ये फंक्शन किसका है? ये फंक्शन किडनीज का है. तो सबसे पहले हम अब आगे इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रही है. तो आगे हम देखते हैं कि किस चीज़ का सबसे पहले जिक्र किया गया. स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं स्किन के बारे में कि स्किन कैसे होम्योस्टेसिस करवाती है ह्यूमंस के अंदर. तो सबसे पहले हम इसमें स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि कैसे स्किन को डिज़ाइन किया गया है उसके फंक्शन के हवाले से. तो हमें पता है कि सबसे पहले और आउटर मोस्ट लेयर जो है स्किन की, उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, और एपिडर्मिस के नीचे जो दूसरी लेयर होती है उसको हम डर्मिस कहते हैं. तो इन टू लेयर्स का हमने इस टॉपिक में जिक्र करना है और इनके फंक्शन देखने हैं कि क्या है. जो आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, ये प्रोटेक्शन करती है आउटर एनवायरनमेंट से, और ये इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती एपिडर्मिस में, ये ब्लड वेसल्स के बगैर आउटर लेयर है. और जो इससे नीचे है लेयर उसको हम डर्मिस कहते हैं, वो ब्लड वेसल्स पे मुश्तमिल होती है. हेयर्स का कनेक्शन डर्मिस के साथ होता है. नर्व्स एंडिंग जो हैं, जो हमारे सेंसिटिव न्यूरॉन्स हैं उनकी जो नर्व एंडिंग है वो भी डर्मिस में आती हैं. डर्मिस के अंदर फैट सेल्स पाए जाते हैं जो कि इंसुलेशन के तौर पे काम करते हैं आउटर एनवायरनमेंट से, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, वो एक ब्लैंकेट के तौर पे काम करते हैं. जो डर्मिस में फैट सेल्स पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें जिसमें स्वेट ग्लैंड होते हैं, पसीना जो हमें आता है उसके जो ग्लैंड्स हैं जो स्वेट खारिज करते हैं वो भी डर्मिस में होते हैं. नर्व एंडिंग्स, ब्लड वेसल्स, स्मॉल मसल्स होते हैं डर्मिस में, फैट सेल्स और
हेयर्स अटैच होते हैं डर्मिस में। तो इस तरह ये दो लेयर्स जो हैं हमारी स्किन की वो डिफर करती हैं स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन वाइज के। इसमें सिर्फ प्रोटेक्शन है एपिडर्मिस की बाहर जो एनवायरनमेंट है उससे, जबकि डर्मिस जो है उसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं और ये मुख्तलिफ वर्क परफॉर्म करती हैं डर्मिस में जो ये सारी चीज़ें। और मेन फंक्शन इसमें फैट सेल्स का मैंने आपको बताया कि वो एज अ ब्लैंकेट काम करता है, आउटर एनवायरनमेंट से हमें बचाता है। जब भी सवेयर कंडीशन होती है बाहर, हॉट एयर बाहर होती है, तो स्मॉल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हमारे बाल जो है वो खड़े हो जाते हैं। वो हमारे बुक पे इसकी डायग्राम बनी के गूज बम्प्स जिसको हम कहते हैं उस तरह की कंडीशन बनती है, और इस तरह हम आउटर एनवायरनमेंट की हार्श कंडीशन से बच जाते हैं। तो ये डर्मस में आता है ये फंक्शन। आगे हम इसका होल देखते हैं कि एपिडर्मस और डर्मस जो स्किन की लेयर्स हैं इसे मज़ीद हम क्या फ़ायदे हासिल करते हैं। तो उसमें ये है कि एक तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है इससे, इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जो बेसिक्स हैं होम्योस्टेसिस की कि हमने अंदरूनी जो इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखना है। तो स्किन क्या कर रही है वो हमें बचा रही है बाहर के इन्वायरमेंट से। एक तो टेम्परेचर मेंटेन हुआ, दूसरी बात इसमें यह है कि हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है। कूलिंग इफेक्ट कैसे मिलता है, हमें पता है कि जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है जब वो टेक प्लेस होता है एवेपोरेशन का प्रोसेस, तो कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है। जब हमारा हमें पसीना आता है और वो वाटर और साल्ट जो है वो एवेपोरेट करते हैं, तो वहाँ पे हमारे स्किन पे एक कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। तो दूसरी चीज़ ये आ गई कि एक तो टेम्परेचर मेंटेन हुआ, दूसरा हमें कूलिंग इफेक्ट मिला उस एवेपोरेशन के होने से, और तीसरा ये कि एक्सेस जो हमारी बॉडी हीट होती है वो भी एस्केप हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर। हमारा जिस्म जब शदीद किसी कंडीशन में आता है, किसी गर्म या सर्द कंडीशन में, तो हमारी बॉडी जब हमारा जिस्म किसी सख्त एनवायरनमेंट में, गर्म एनवायरनमेंट में जाता है, तो हमारी बॉडी जब गर्म होती है तो वो एवेपोरेशन के जरिए हमारी बॉडी हीट भी कम हो जाती है, वो भी एस्केप हो जाती है इन एनवायरनमेंट। और तीसरा ये कि बहुत से मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, जो पसीने के थ्रू निकलते हैं, स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी से निकलते हैं, उसमें उस पसीने में साल्ट्स होते हैं, यूरिक एसिड, यूरिया, और एक्सेस जो वाटर है जो स्किन में प्रेजेंट है स्किन के सेल्स में, वो भी रिमूव आउट हो जाता है। तो ये था फंक्शन हमारी स्किन का, जिसकी टू लेयर्स थी एपिडर्मस और एंडोडर्मस, जो ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं और जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है, हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो इसके थ्रू स्वेट के थ्रू खारिज होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स उनको खारिज करते हैं, और स्वेट ग्लैंड्स का ताल्लुक डर्मस से होता है। और गूस बम्प्स जो बनते हैं वो किस लिए बनते हैं, हॉट एयर से हमें बचाने के लिए लिपिड की एक लेयर हमारी स्किन में बनती है डर्मस के ऊपर, जो हमें आउटर एनवायरनमेंट से सेव करती है। और कब करती है, जब हमारे मसल्स स्मॉल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हेयर्स हमारे वो खड़े हो जाते हैं जैसे हमारी बुक पे बने। तो ये प्रोसीजर है स्किन का होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का। नेक्स्ट देखते हैं किस चीज़ का जिक्र किया गया। ह्यूमंस में दूसरा जो पार्ट है जिसमें होम्योस्टेसिस को कायम करने का जो दूसरा ऑर्गन है बॉडी में, वो लंग्स हैं। लंग्स कैसे मेंटेन करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस को, ये एक प्रोसीजर है, एक ऐसा प्रोसीजर जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि लंग्स किस तरह गैसेस को एक्सहेल करवाते हैं, पूरा हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक पढ़ा था। लेकिन इस चैप्टर में हमने बेसिक एक पॉइंट देखना है कि कैसे लंग्स एक्सहेल करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। सबसे पहली चीज़ के सेल्स के अंदर जब इंसान रेस्पिरेशन करता है तो सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल्स में प्रोड्यूस होती है वो मूव करती है टिश्यू फ्लूइड में। सेल्स का जो वेस्ट मटेरियल है, जो उसका प्रोडक्ट है, जो उसने अपने अंदर से निकालना है, क्योंकि वो एक्सेस क्वांटिटी में होता है, तो वो सेल्स से मूव करती है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे, टिश्यू फ्लूइड्स में। टिश्यू फ्लूइड्स से कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके कहाँ पे आता है, लंग्स में। ये हमने सारा प्रोसेस पढ़ा है पिछले चैप्टर में। ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को लेके, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसको हम अपनी जबान में गंदा खून कह सकते हैं,
वो ब्लड लेके आता है कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ पे, लंग्स में। और लंग्स का क्या काम होता है, लंग्स का काम ये होता है कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, बॉडी से उसको एक्सहेल करना, ये फिर लंग्स का काम होता है। तो ये साइकिल है कि सेल्स में प्रोड्यूस होती है, सेल्स से टिश्यू फ्लूइड में जाती है, टिश्यू फ्लूइड से ब्लड में, और ब्लड जब लंग्स में आता है तो लंग्स में वो एक्सहेल, लंग्स उसको बॉडी से एक्सहेल करवाते हैं, उसको मूव आउट करवाते हैं। तो लंग्स इस तरह जो है वो बॉडी में होम्योस्टेसिस को कायम रखे हुए हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस क्वांटिटी को रिमूव आउट करवाते हैं बॉडी से। तो ये है लंग्स का फंक्शन। नेक्स्ट अब हमने किडनी के बारे में उसकी डिटेल को पढ़ना है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी डिटेल को डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक में तो ज़रूर पूछिए। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।